नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भलराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पीछे तुम लोगों को मैंने कल के वीडियो में प्रश्न पत्रिका जो है वो मैंने आपके ग्रुप पर डाली थी और उसको नोटबुक में हल करने के लिए बोला था। देखो बच्चों, बहुत से मुझे ऐसा समझ में आया है कि बहुत से बच्चों को यह समझ में ही नहीं आया है कि प्रश्न पत्र क्या दिया है और क्या करने का है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को यह समझ लेने का है कि कक्षा 6वीं बी और सी इन बच्चों को गणित विषय का यह प्रश्न पत्र मैंने दिया है। देखो बच्चों, हमारा पाठ क्रमांक एक और दो दोनों भी पाठ जो है वो पढ़ाने के हो चुके हैं, यानी दोनों पाठों का अध्ययन हम लोगों ने किया है और इसके आधार पर मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए यानी सराव करने के लिए आप लोगों को ये प्रश्न पत्र एक दिया है। देखो इसके लिए बच्चों, आप लोगों को गणित की किताब में आप लोगों को पाठ क्रमांक एक और दो, ये दोनों जो है पाठ, इन दोनों पाठों का अच्छी तरह से वाचन करने का है और उसके बाद मैंने जो भी वीडियो आपको इसके पहले जो भी वीडियो के द्वारा पढ़ाया है तो उसका उपयोग करके ही आप लोगों को ये प्रश्न पत्रिका जो है वो अपने कापी में हल करने की है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि मैंने प्रश्न पहला दिया था रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। अभी ये प्रश्न मैंने जो दिया है वो पाठ क्रमांक एक और दो के आधार पर दिया है, इसीलिए आप लोगों को गणित की किताब में ये जो प्रश्न मैंने कम से कम यहाँ पर 13 रिक्त स्थान दिए थे, ये 13 रिक्त स्थान जो है ये सब आप लोगों को पाठ क्रमांक एक और दो में से ही आप लोगों को क्या करने थे, इसके वाक्य जो है वो ढूंढने के थे और जहाँ पर मैंने डैश की है तो वहाँ पर आपको उचित शब्द लिखना है, वो भी आप लोगों को पाठ क्रमांक एक और दो में ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए आप लोगों को किताब का आधार लेने का है, मतलब किताब में देखकर ही आप लोगों को ये सब क्या है हल करने का था। इसलिए प्रश्न क्रमांक एक है, फिर से एक बार दोहराती हूँ और समझाती हूँ कि प्रश्न क्रमांक एक है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो, ये आप लोगों को गणित का जो किताब है उसमें से पाठ क्रमांक एक और दो में से ही आप लोगों को ये ढूंढना है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा प्रश्न बताया था, देखो मैंने दूसरा प्रश्न आपको बताया था कि हल करो। हल करो मतलब क्या, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो प्रश्न संग्रह हल किए हैं तो उसमें इसी प्रकार हम लोगों ने प्रश्न पत्र हल, देखो प्रश्न संग्रह हल किए हैं। उसमें प्रश्न पहला दिया था नीचे दिए कोणों को मापों के आधार पर उनका प्रकार लिखो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न पाठ क्रमांक दो में कोणों के प्रकार पढ़े हैं, कोणों के 7 प्रकार मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो 7 प्रकार पढ़ाने के बाद तो अभी समझ लो यहाँ पर 170 अंश का कोण है, ये कौन से प्रकार का कोण है, 65 अंश वाला कौन से प्रकार का कोण है, 40 अंश वाला कौन से प्रकार का कोण है, तो इसके सामने उस कोण का प्रकार आपको लिखना है जिसके लिए आप लोगों को पाठ क्रमांक दो जो है वो देखने का है। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए मापों का कोण बनाकर उसको समद विभाजित करो। देखो ये भी हम लोगों को पाठ क्रमांक दो में मैंने आपको प्रश्न संग्रह 3 में पढ़ाया है। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 60 अंश वाला कोण, कोण किस तरह से बनाने का है, उसका समद विभाजक किस तरह से खींचने का है, ये भी रचना मैंने आप लोगों को पढ़ाई है और उसके लिए भी आप लोगों को फिर से एक बार वो वीडियो देखकर भी आप लोग फिर से एक बार हल कर सकते हैं। तीसरा दिया है संलग्न आकृति के आधार पर नाम लिखो। आकृति दी है, उस आकृति के आधार पर आप लोगों को संरेख बिंदु कौन से है, किरण कौन सा है, रेखाखंड कौन सा है, रेखा कौन सी, ये सब आप लोगों को इस आकृति का निरीक्षण करके देखना है। इसके लिए देखो प्रश्न संग्रह 1 में ही ये सब दिया है, मतलब पहले पार्ट में ही आप लोगों को ये सब दिया है और पहले पार्ट में भी आप लोगों ने हल किया होगा प्रश्न संग्रह, तो आपको ये आकृति भी ध्यान में आएगी और आप लोगों को इसमें क्या करने का है ये भी ध्यान में आएगा। देखो बच्चों, ये सभी जो है मैं आपके हमारे दो पाठ हो गए हैं पढ़ाने के और इन दो पाठों के आधार पर ही मैंने ये कुछ प्रश्न आप लोगों को आपके पुनरावर्तन के लिए आप लोगों को सराव होना चाहिए इसके लिए दिए हैं, इसीलिए आप लोगों को इसको कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।